लाखों अफराद ने पूरी दुनिया में मेरे लेक्चर सुने। हर किस्म की तकलीफ के लिए रूहानी इलाज मैंने कुरान मजीद से बताए। आज आपको बताता हूँ जालिम का जुल्म रोकने के लिए रिस्ट्रेनिंग द प्रेशर। जब जालिम का जुल्म हद से तजावुज हो जाए, जब नाकाबले बर्दाश्त हो जाए, इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो जाए। यकीनन इस दौर में भी फिरौन मौजूद हैं, फिरौन की बाकियात मौजूद हैं। तो ये आयत पढ़िए, सूरा अनाम आयत नंबर 45। मैं हाफिज़ या कारी भी नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से तिब्बे नबी से मैंने इलाज बताया, लोग शिफा याब हुए। बहुत छोटी सी आयत है, आप पढ़िए। जब जुल्म हद से तजावुज़ कर जाए, हाँ ये भी जहन में रखिए, अगर किसी पर जुल्म ना हुआ हो तो हरगिज़ ये आयत ना पढ़िए, वरना नुकसान का खदशा हो सकता है। आयत है फकुतिया दाबिरुल कौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।